सब्सक्राइब कीजिए सिम्पसन्स किचन को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो। इट्स टोटली फ्री। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ हरियाली चिकन बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हरियाली चिकन खाने में जितना टेस्टी लगता है उतना ही ये बनाने में भी बहुत आसान है। तो चलिए इस सिंपल सी रेसिपी के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। तो हरियाली चिकन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चिकन ले लिया है। आप बोन के साथ भी ले सकते हैं या तो फिर बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। एक बड़ा प्याज चाहिए हमें चौकन टुकड़ों में कटा हुआ। दही चाहिए, 5 से 6 टेबल स्पून दही ले लेंगे, लेकिन दही को अच्छे से फेंट लेंगे, इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। अब हरियाली चिकन बनाने के लिए हमें हरा मसाला चाहिए, तो उसके लिए हमने हरा धनिया ले लिया है 1 कप। हरी मिर्च चाहिए हमें 5 से 6 हरी मिर्च और पुदीना पत्ती चाहिए 1 कप। जितना हम हरा धनिया लेंगे उतना ही हम पुदीना पत्ती ले लेंगे। हरी मिर्च आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ हमें इसमें डालनी है पीसते वक्त, वो है नींबू का रस। तो 1 नींबू का रस ले लिया है मैंने यहाँ पे। नींबू का रस हमें इसलिए डालना है क्योंकि हम जब इसे मिक्सी में चलाते हैं उसका कलर हरा बना रहे, इसके लिए हमें यहाँ पे नींबू का रस डालना है। 1.5 टेबल स्पून अदरक और लहसुन की पेस्ट ले लेंगे यहाँ पे। कस्तूरी मेथी चाहिए हमें। कस्तूरी मेथी को अगर रोस्ट करके और हाथों से मसल के डालें तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप अगर चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। कुछ खड़े मसाले चाहिए हमें, वो देख लेते हैं। 2 से 3 तेजपत्ता ले लिया है मैंने। 2 दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं और 3 हरी इलायची ले ली है जिसको कि मैंने बीच में से फोड़ लिया है। बटर चाहिए हमें, यहाँ पे बटर ऑप्शनल है, आप अगर चाहें तो इसकी जगह पे देसी घी भी डाल सकते हैं। और कुछ पाउडर मसाले चाहिए हमें, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून गर्म मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून नमक ले लेंगे। नमक और मिर्च आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और तेल चाहिए हमें इसे फ्राई करने के लिए, आप देसी घी में भी इसे बना सकते हैं। तो देखिए हमने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं। अब सबसे पहले हम हरियाली चिकन का हरा मसाला बना लेते हैं। अब सबसे पहले हमने पुदीना पत्ती, हरा धनिया और हरी मिर्च, नींबू का रस जो लिया था उसे एक मिक्सी में डाल के चला लेंगे और इसकी बारीक फाइन पेस्ट बना लेंगे। आप अगर चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे बहुत ही अच्छे से पीस लिया है और आप देख सकते हैं कि हमने जो नींबू का रस इसमें डाला था उसकी वजह से इसका कलर बिल्कुल ग्रीन है, ये चेंज नहीं हुआ है। तो अब इसे साइड में रख देते हैं और चलते हैं हरियाली चिकन बनाने की तरफ। तो हरियाली चिकन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया है। पैन में मैंने 3 से 4 टेबलस्पून तेल डाल दिया है और तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें हमने जो खड़े मसाले लिए थे वो सारे इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए ये खड़े मसाले डाल देंगे और इसे आधा मिनट तक के अच्छे से चला लेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर तेल में अच्छे से उतर जाए। आधे मिनट बाद अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई प्याज और चला देंगे इसे भी। और इसे जब हमें चलाते हुए इस प्याज को सॉफ्ट कर लेना है, इसका हमें कलर चेंज नहीं करना है। तो ये देखिए प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इससे ज़्यादा हम इसे नहीं भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, चला देंगे इसे भी। और इसे भी चलाते हुए हम 1 से 1.5 मिनट तक के भून लेंगे ताकि हमारे अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। 1 से 1.5 मिनट में अदरक और लहसुन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चिकन, फिर सारा चिकन इसमें डाल देना है और इसे अच्छे से चला लेंगे। अब इसे चलाते हुए हमें 3 से 4 मिनट तक के भून लेना है या तब तक के भून लेंगे जब तक कि चिकन अपना कलर चेंज नहीं कर लेता। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट में चिकन अपना कलर चेंज कर लिया है और इसको हल्के हल्के से भून भाग कर चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे सभी पाउडर मसाले, फिर सारे पाउडर मसाले और नमक हमें इसमें डाल देना है। चला देंगे इसे अच्छे से और इन मसालों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक के फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए मसालों को अच्छे से फ्राई करने के बाद अब हम इसमें हरा मसाला डाल देंगे जो हमने अच्छे से पीस के रख दिया था। तो सारा मसाला इसमें डाल देना है। यहाँ पर मैंने हरा मसाला डाल दिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक के अच्छे से फ्राई कर लेंगे या तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये जो सारा पानी है वो कम्प्लीटली ड्राई नहीं हो जाता। ये देखिए 3 से 4 मिनट में मसाला अच्छे से पक चुका है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मसाला तेल छोड़ने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे दही, लेकिन ध्यान रखेंगे कि दही को हम अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। दही डालने के बाद हम इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी को हाथ से थोड़ा सा मसल के डालेंगे, इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। साथ ही हम इसमें डालेंगे बटर, ये ऑप्शनल है, आप अगर चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन बटर डालने की वजह से इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से और इसे भी हम चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक के भून लेंगे ताकि दही और बाकी का सारा जो पानी है वो अच्छे से कम्प्लीटली ड्राई हो जाए।
3 से 4 मिनट बाद देखेंगे कि तेल अच्छे से ऊपर आ चुका है और ये दही अच्छे से पक चुका है। पानी भी इसका कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी। लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये जो ग्रेवी है थोड़ी सी थिक होती है, थोड़ी सी गाढ़ी ही होती है, उस हिसाब से आप यहाँ पर पानी डाल सकते हैं। तो 1/2 कप पानी डालेंगे इसमें और इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे मिक्स करने के बाद हम इसे 1 लीटर से ढक देंगे और ढक कर इसे 10 से 12 मिनट तक के पका लेंगे। या तो इसे तब तक पका लेंगे या जब तक कि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से टेंडर नहीं हो। एक उबाल आ गया है, गैस की फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इसे 1 लीटर से ढक देंगे और 10 से 12 मिनट तक के पका लेंगे। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, पैन का ढक्कन हटा देंगे और देखिए हमारा हरियाली चिकन बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे एक सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा हरियाली चिकन बनकर बिल्कुल तैयार है और इसे मैंने सर्विंग डिश में निकाल लिया है। आपका बहुत ही लाजवाब हरियाली चिकन बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ गई है इसमें से। आप इसे रोटी, नान, चपाती या फुल्का के साथ खा सकते हैं। अपने घर में रेस्टोरेंट जैसा हरियाली चिकन बनाए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी रेसिपी कैसी बनी थी। तो इसे ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।